इकलौते हैंडपंप का ये हाल है, देख सकते हो इन्होंने तारों से वायर से उसको बांधा है और ये काम चलाओ इन्होंने कराता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो बहुत गिर जाता है, दो दिन से पानी नहीं मिला। अच्छा, दो दिन से पानी नहीं मिला। आम जो सिटी में रहता है इंसान, दो घंटे में बीमार हो जाएगा, दो घंटे में लिख के ले लो मेरे से। यहाँ पे इतनी गंदगी है, सांसें नहीं। यहाँ पे मैंने लोगों को पूछा यार, छः बच्चे, किसी के चार बच्चे, किसी के तीन बच्चे, तो मतलब सबका बड़ा कोड़ा बीनते हैं और 200-300 कमाते हैं, तो उसमें तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, बहुत मुश्किल से होता है ना, तो इतने बच्चे क्यों, मतलब क्यों करते हैं? ये है टॉयलेट्स यहाँ पे, देख रहे हो, ये यहाँ पे टॉयलेट है। अंकल ये भाई, नमस्ते, आपका नाम? धीरेन्द्र। आप कहाँ से हो? जी हम यहाँ बनारस से। बनारस से, मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो आज ही यहाँ पे वीडियो निकालने आया। तो ये टॉयलेट जो लगा है यहाँ पे, पानी कहाँ से आता है इसके लिए? ये पानी के टैंकर से आता है। टैंकर से, टैंकर आता है यहाँ पे पानी का? कितने बजे आता है ये? सुबह छः बजे। कितने टैंकर आते हैं? एक ही टैंकर आता है। हो जाता है पानी सबको एक टैंकर में? अब कल तो आया, ये पता नहीं है आपको। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे टैंकर आता है पानी का, वही पानी स्टोर कर लेते हैं ऐसे छोटे छोटे डिब्बों में। मैंने हर घर के सामने कैन देखे हैं, प्लास्टिक के डिब्बे देखे हैं। भाई घर में देख रहे हैं। ये है राजधानी दिल्ली का झोपड़पट्टी। नमस्ते भाई, नमस्ते। यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूँ, मैं यूट्यूब की वीडियोज़ बनाता हूँ, तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे लोग कैसे रह रहे। तो आप घर में कपड़े धो रहे हो, बाहर क्यों नहीं धो रहे? धूप है ना, धूप है इसलिए घर में कपड़े धो रहे हो। अच्छा, ये देख रहे हो भाई का ये घर है। कितने लोग रहते हो भाई यहाँ पे? मम्मी पापा है। अच्छा, और छः बहन भाई यहाँ पे रहते हैं, और मम्मी पापा 8 जन रहते हो उस घर में? 8 जन इस घर में रहते हैं, देख सकते हो। और भाई धूप बहुत ज़्यादा है वैसे आज, और भाई धूप की वजह से घर में कपड़े धो रहे। तो पानी इकट्ठा नहीं होगा यहाँ पे? पानी इकट्ठा नहीं होगा इसका? अच्छा, ये नली है, सीधा नाली में जा रहा है, बढ़िया है। ठीक है ना, था आपसे यहाँ पे मैंने लोगों को पूछा यार, छः बच्चे, किसी के चार बच्चे, किसी के तीन बच्चे, तो मतलब सबका बड़ा कोड़ा बीनते हैं और 200-300 कमाते हैं, तो उसमें तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। हाँ, बहुत मुश्किल से होता है ना, तो इतने बच्चे क्यों, मतलब क्यों करते हैं? सर ये तो मुझे ऐसे अब मतलब रोक लगानी चाहिए ना, क्योंकि हमारा खुद का तो भविष्य खराब हो जा रहा है, तो अपने बच्चों का भी भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? आपको नहीं लगता ऐसा? तो आपका क्या कहना है इस पे? ये भैया हम तो है चार, हाँ, बहन भाई बस, हाँ, और दो मम्मी पापा, हाँ, अपने 6 परिवार है। हाँ, ये ज्यादा हम अपोसली ये मानते हैं कि ज्यादा हो भी जैसे भविष्य के लिए ज्यादा लड़के ज्यादा होना नहीं चाहिए। हाँ, ये लड़कों के चक्कर में लड़कियां भी होती होंगी, तो उसको भी रखना पड़ेगा, है ना? तो इसके लड़कों के चक्कर में ज्यादा बच्चे हो रहे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे इतनी ज्यादा मात्रा में लड़कियां है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा मात्रा में। ये है राजधानी दिल्ली का स्लम, और ये स्लम है, ये स्लम आपको बताता हूँ कहाँ पे है। ये स्लम है मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे बगल में। ये आपको स्लम, झोपड़पट्टी, झुकी झोपड़ी जो भी बोलते हो आप लोग, ये है। यहाँ पे इतनी बेकार ज़िंदगी है, कसम से बोल रहा हूँ। मैंने धारावी स्लम देखा, बट दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा स्लम देखा मैंने धारावी, पर उससे बेकार यहाँ पे कंडीशन है। आप देख रहे हो ये यहाँ पे कैंड है, यहाँ के पानी भरे पड़े है, यहाँ पे उसमें पानी स्टोर किया है, नाली है, और उसी नाली में लोग नहा रहे हैं। ठीक है, ये नाली, ये रास्ता, और घर घर के सामने मतलब आंगन है ही नहीं, बस नाली है। ठीक है, नाली के सामने ये सब सिचुएशन है, आप देख रहे हो। ये स्लम कुछ इस तरह से व्यू है। यहाँ पे 300-400 फैमिलीज रहती है ऐसे मुझे पता चला है। यहाँ पे घरों के बाहर डिश भी लगी हुई है,
यहाँ पे वॉशरूम देख रहे हो नहाने के लिए, सारा ओपन ही है। वो पीछे वाली दीदी तो भाई ओपन ही नहा रही थी। तो गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो कि नर्क से भी बदतर जीने में मजबूर कर देती है। होप आपकी ज़िंदगी जो है वो इससे बेहतर है। आपने ज़िंदगी से शिकायतें आपकी कम होती हुई होंगी। ये सिचुएशन देख के, ये सब देख के, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, एक एक को चार चार, छः छः, पाँच पाँच, और मैं कुछ सवाल पूछूँगा तो विवाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं चुपचाप निकल जाऊँ। ये कुछ दुकान है तो यहाँ पे कुछ बेचने भी आई है भाई साहब। तो भाई साहब बेच रहे हैं क्या है भैया? पकौड़े हैं। पकौड़े, पकौड़े बेच रहे हैं। बहुत बढ़िया पकौड़े हैं। अच्छा, पकौड़े बेच रहे हैं। थैंक यू जी, पकौड़े खा। वीडियो वीडियो यूट्यूब कर तो दिए, कर तो दिया। पाँच रुपये का, ठीक है। पाँच रुपये का, पाँच रुपये कितने को ये, क्या क्या बोले इसको? लड्डू है, दाल के पकौड़े। दाल के पकौड़े पाँच रुपये के कितने? तीन। अच्छा, दो का एक है। अच्छा, और चटनी मूली डाल के। अच्छा, देखो क्या बढ़िया बनाया है, बहुत टेस्टी बना। पाँच रुपये का? हाँ, पाँच। दुनिया का सबसे सस्ता पकौड़ा करें जी, सस्ते बेचेंगे, सस्ती कॉलोनी मिलो जी सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मेरा फोटो हो जाएगा। देख रहे हो ये कचरा बीनने की गाड़ियाँ है, जो इस पर कचरे का टक्कर किस पे लाद के ये लोग आते हैं। ठीक है, ये नींबू मसाले वाले आ गए हो जा। तो जो भी था व्यू देखा हूँ मैं, बहुत ही, आपको बताऊँ मैं बीमार हो जाऊँगा यार बाहर निकल के, सांसें नहीं आ रही मेरे में। तो भैया ये क्या है? शेल्टर है, स्कूल है, स्कूल है ये। आज बंद है? क्यों बंद है आज? आज के दिन बंद होता है। तो कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? पढ़ते सारे इसके, यहाँ के स्लम के सारे पढ़ते हैं। तो मास्टर जी आते हैं रोज? आते हैं मास्टर जी। ये कितने मास्टर हैं यहाँ पे? यहाँ पर तो एक ही है। एक ही टीचर है? एक ही टीचर है सबको पढ़ाता है? नहीं, टीचर तो एक ही है, वैसे बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, लोग रहे वाले। अच्छा, तो एक टीचर आते हैं सिर्फ? गवर्नमेंट वाला स्कूल है ये? गवर्नमेंट वाला स्कूल है, सरकारी? नहीं। हाँ, या किसी एनजीओ ने बनाया? एनजीओ भैया पढ़ाने आते हैं। अच्छा अच्छा, एनजीओ वाले भैया पढ़ाने आते हैं। तो थैंक यू, जो भी एनजीओ है यहाँ पे, सरकार तो ध्यान नहीं देगी पर कुछ एनजीओ है यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं उस एनजीओ को और एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आइए और फ्री मेडिकल सर्विस दीजिएगा, जो भी आपकी हैसियत से एनजीओ के हिसाब से यहाँ पे फ्री सर्विस दीजिएगा प्लीज़। क्योंकि यहाँ पे एक आम जो सिटी में रहता है इंसान, दो घंटे में बीमार हो जाएगा। दो घंटे में लिख के ले लो मेरे से, यहाँ पे इतनी गंदगी है, सांसें नहीं आ रही। एक लोग थे हैंडपम्प का, ये हाल है देख सकते हो, इन्होंने तारों से वायर से इसको बांधा है और ये काम चलाओ इन्होंने कराता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगा। तो बहुत गिर जाता है, दो दिन से पानी नहीं मिला। अच्छा, दो दिन से पानी नहीं मिला, घरों में खाना नहीं बना है पानी की वजह से, है ना? पानी की वजह से खाना नहीं बना। एक तरह भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और एक तरफ ये हमारा चेहरा है, और इसमें किसकी गलती है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ इसमें किसकी गलती है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूरा गटार है, गटार का पानी है, यहाँ पे थोड़ा सा खुला एरिया है देख सकते हो,